हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग थर्ड पैरामीटर अंडर द कैमिकल म्यूटेजेंट्स डेट वॉज डी एन ए इंटरकैलेटिंग कंपाउंड तो इस वीडियो में हम डी एन ए इंटरकैलेटिंग कम्पाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर एनदर लाइक बेस मॉडिफाइंगल म्यूट बेस एनालॉग्स

और उनका जो स्ट्रक्चर है उनके अपेयरेंस जो है वो फ्लैट होने की वजह से क्या होता है ये दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो है दे विल गेट फिटेड विद बिटवीन देम फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सीक्वेंस है ए टी जी सी जी इस तरह से कोई रैंडम मैंने सीक्वेंस ले लिया तो ये जो दो नाइट्रोजन बेस हैं इन दोनों के बीच में दीज पर्टिकुलर डीएनए एन इंटरकैलेटिंग एजेंट्स दे विल गेट फिटेड डाउन ठीक है यहाँ पे इसको मैं इस तरह से शो कर ली हूं पॉइंट से तो इस तरह से वो फिट हो जाते हैं एंड देट इज ओनली ड्यू टू दियर फ्लैट मोलिकुलर अपियरेंस अब जैसे वो यहाँ पे डबल हेलिक्स में फिट होते हैं इट कैन लीड टू स्लाइटली अनवाइंडिंग ऑफ द हेलिक्स एंड एज वेल एज क्या होगा इनकी इसकी वजह से जो डिस्टेंस है बिटवीन द बेस पेयर यानी कि ये और ये जो बेस पेयर हैं जी एंड टी इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल गेट ऑल्सो इंक्रीज देन अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कौन से हमारे इंटरकलेटिंग एजेंट्स हैं देन प्रोफ्लेविन टगरी नाउ आपके जो इंटरकेलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो किस तरह के म्यूटेशन कोर्स करते हैं जैसे अभी तक हमने जितनी भी म्यूटेशन के बारे में केमिकल म्यूटेशन हम पढ़ लेते हम वर्ड यूज कर ले थे ट्रांजिशंस ठीक है ट्रांजिशंस जो आपकी किसके अंदर आती हैं एक तरह से आपकी पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे दे थे ठीक है बट ये जो आपके डीएनए एन ए इंटरक्रेटिंग एजेंट है इनकी वजह से पॉइंट म्यूटेशन नहीं होती है इनकी वजह से जो म्यूटेशन होती है दैट इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इट मींस कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है दैट कंप्लीट फ्रेम इट विल गेट शिफ्टेड टू अदर साइड ठीक है पूरा का पूरा जो फ्रेम होगा उसी में चेंजेस आ जाएंगे सो दिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इट कैन बी ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द इंटरकलेटिंग एजेंट और इट कैन बी ड्यू टू द डिलीशन तो अब हम सबसे पहले इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे सो so, फर्स्ट हम लेंगे आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाय एडिशन हम देखेंगे कि एडिशन से जो है क्या चेंजेस आते हैं ठीक है तो अभी हम एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लेते हैं ठीक है इस तरह से हम डबल हेलिकल डीएनए ले लिया एक जो है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड ठीक है और इसके सामने मैंने ले लिया न्यूली फॉर्म स्टैंड ठीक है न्यू स्टैंड क्योंकि टेम्पलेट स्टैंड से ही आपका न्यू स्टैंड बनता है ठीक है रेंडम हम इसमें कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस लिख देते हैं लाइक like यहाँ पे मैंने लिख दिया ए टी सी ए जी टी ए सी टी तो इसका जो न्यूज स्टैंड है वहां पे क्या आएगा ए के साथ टी एंड टी के साथ, G, T के साथ A. ठीक है ये आपका हमने ले लिया एक कंप्लीट डबल हेलिकल स्टैंड अब क्या होगा इंटरकैलेटिंग एजेंट्स का हम रोल पढ़ रहे हैं तो कोई भी इंटरकैलेटिंग एजेंट इट विल इंसर्ट इट सेल बिटवीन टूस टेम्पलीट स्टैंडियम रोबाइड ही आ गया तो कहाँ खुद को इंसर्ट करेगा इस टेम्पलेट स्टैंड में दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में खुद को इंसर्ट कर लेगा फॉर एग्जाम्पल ये जी और टी के बीच में यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ ठीक है इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये क्या है इंटरकैलेटिंग एजेंट है फ्लैट मोलिकुलर स्ट्रक्चर था इसका जिसकी वजह से ये जी एंड टी यानी कि ग्वानिन और थाइमिन जो नाइट्रोजनस बेस हैं इनके बीच ने इसको फिट कर लिया ठीक है अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी ठीक है अब ये जो स्टैंड है ये जो आपका डबल हेलिकल डीएनए है ये रेप्लिकेट करेगा टेम्पलेट स्टैंड जो है अपने साथ एक नया स्टैंड बनाएगा इस न्यू स्टैंड से भी बट न्यू स्टैंड में देखो कोई चेंज नहीं है तो ऑब्वियसली नॉर्मल जैसे बनता है वैसे ये हो जाएगा बट आप यहां पे देखो जो स्टैंड लिया है इस पे हमारे पास क्या आ गया ए टी सी इसी को रीड करके अब नया डोटल स्टैंड बनेगा इसके साथ वाला तो ये रीड जब इसको करेगा तब क्या होगा ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट यहाँ पे इंसर्ट हुआ है जब रीडिंग होगी तो वो इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये कोई नाइट्रोजनस बेस है या कुछ और है तो क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज रेंडमली कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है इस इंटरकैलेटिंग एजेंट के सामने प्लेस कर देता है फॉर एग्जाम्पल ए के सामने टी आ गया टी के सामने ए जी टी सी ठीक है अब यहाँ पे क्या है ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है बट डीएनए पॉलीमरेज फेल टू आइडेंटिफाई ठीक है प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाती है तो यहाँ पे इंटरकैलेटिंग एजेंट के सामने रेंडमली वो कोई भी नाइट्रोजीनस बेस लगा देता है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लगा दिया जी ठीक है देन टी के सामने ए ए के सामने टी सॉरी टी के सामने ए ए के सामने टी सी के सामने जी ठीक है सामने ठीक है अब ये आपका क्या बन गया ये जो नया स्ट्रैंड बन गया एक तरह से ये आपका कैसा है म्यूटेटेड स्ट्रैंड है क्योंकि यहाँ पे इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की एडिशन की वजह से दिस इंटरकैलेटिंग एजेंट इसकी एडिशन की वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजिनस बेस जो है स्टैंड में आ गया है फॉर एग्जांपल यू कैन काउंट हियर इनिशियली हमारे पास कितने नाइट्रोजिनस बेस थे 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. But if we count kare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Okay. So, this is the basically uh, frame shift mutation by the addition, where due to the intercalating agent's addition, there will be increase in the nitrogenous basis number and there is a shift of the frame. राइट एज वेल एज क्या होता है इस शिफ्ट की वजह से पूरा जो कोडोन रीडिंग का सीक्वेंस uh, है वो चेंज हो जाता है पहले क्या था जैसे ए टी सी ये एक साथ में कोडोन रीड हो रहा था ए जी टी ये रीड हो रहा था बट जैसे ये यह यहाँ पे इंसर्ट हुआ शुरू वाले तो सेम रहे ठीक है बट जो बाद के जो है वो सारी सीक्वेंस रीडिंग जो है कोडोन रीडिंग है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी सो दिस इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाय एडिशन नव यू विगजाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बाई डिलीशन ठीक है तो डिलीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम uh, मैं यही सीक्वेंस रिपीट कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस जैसे ए टी सी ए जी टी टी सी ये हमने ले लिया ठीक है एक स्ट्रैंड इसके सामने आएगा ए के सामने टी सामने ए, ठीक है ये लिख दिया। अब दोबारा से क्या होगा हम क्या स्टडी कर रहे हैं इंटरकलेटिंग एजेंट का एक्शन ठीक है इंटरकलेटिंग एजेंट हमारा यहाँ पे ऐड होगा अब यहाँ पे जब डिलीशन uh, के लिए ये ऐड हो रहा है तो ये दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में ऐड नहीं होता ये क्या करता है ऑलरेडी जो हमारा नाइट्रोजेनस बेस प्रेजेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिमूव करके उसकी जगह ये ऐड हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये ए को रिमूव कर देगा यहाँ से ए विल गेट रिमूव और इसकी जगह पे क्या होगा कोई इंटरकैलेटिंग एजेंट जो है वो ऐड हो जाएगा ठीक है एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि एडिशन के टाइम वो कहाँ ऐड हो रहा है बिटवीन द टू नाइट्रोजनस बेसिस बट डिलीशन के टाइम जब आप इसको स्टडी कर रहे हो तब ये कैसे ऐड हो रहा है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाइट्रोजनस बेस को उसके खुद के प्लेस से रिमूव करके उसकी जगह ये ले लेगा ठीक है अब क्या होगा अगेन हम रेप्लीकेशन पढ़ेंगे तो जैसे ही ये इंटरकलेटिंग एजेंट ऐड हुआ इसने अपना काम कर दिया इसका मेन क्या था म्यूटेशन लाना इसने उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटिजनस बेस को वहां से रिमूव कर दिया और थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा खुद भी वहां से रिमूव हो जाएगा एज ए रिजल्ट वुड वी गेट टी ए जी TC आगे ये इंटरकलेटिंग एजेंट है अब इसको लीड करके आगे कुछ नहीं आएगा ये भी थोड़ी देर बाद क्या हो गया रिमूव हो गया टोल से गेट रिमूव तो यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट रहेगा और यहाँ पे ए टी जी ए देन ये जो आपको सीक्वेंस आया इसको रीड करके यहाँ पे सामने आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाएगा

दो प्रीवियस वीडियोस में एक बेस केमिकल डिस्कस किया, एक हमने बेस एनालॉग किया और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डीएनएलेटिंग एजेंट और कंपाउंड सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पोर्शन दैट इज द केमिकल म्यूटेजेंट एंड इन नेक्स्ट वी विल द फिजिकल म्यूटेजेंट्स So that's all for this video. I hope you will like the video. Please subscribe and share the channel with your friends and stay tuned for more videos. Thank you.